अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम पन्ना की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट बन जाती है। समर सीज़न है और बाहर से आएँ, ठंडे ठंडे शरबत की ज़रूरत महसूस होती है। आम पन्ना मिल जाए तो क्या बात है, ठंडा ठंडा आम पन्ना। आइए बनाते हैं, आइए आम पन्ना की रेसिपी जानते हैं कि कहीं से भी आएँ झटपट आम पन्ना बना के पी सके। ये मैंने आम पन्ना बना लिया, देखिए कितना अच्छा, कितना इसे मैं स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी और जब बाहर से आएंगे 2 स्पून डालना है, झटपट तैयार हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते बनाना और देखते हैं किस तरह से बना। 1/2 kg मैंगो लिया है, ये कच्चा आम है, इसे पहले छील लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, सुखा लिया, इसे कट कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सबका छिलका उतार लेंगे। मैंने मैंगो कट कर लिया अच्छी तरह से, अभी से इस तरह से पीस पीस कट कर लेंगे। इस तरह से काट लेंगे, रफली काटना है, जिस इसमें आपसे कटे मोटा पतला छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। इस तरह से साइड साइड से भी कट करके गुठली को अलग कर लेंगे, सारे पीस को निकाल लेंगे। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंगो डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे सॉफ्ट होने तक गला लेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। इसे सॉफ्ट होने तक इसे गलाएंगे कवर करके। आम अब सॉफ्ट हो गया, आम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, इसे मिक्सी में पीस लेंगे या हैंड ब्लेंडर से इसको पेस्ट बना लेंगे फाइन सा। मैंगो का पेस्ट तैयार करेंगे, जब तक ये कुछ फ्रेश पुदीना का पत्ता है इसे भी लेंगे और इसे इसका भी एक फाइन पेस्ट उसमें डालने के लिए तैयार कर लेंगे। ये वॉश किया हुआ है एकदम अच्छी तरह से। पुदीना की खुशबू आम पन्ना में बहुत अच्छा लगता है। ये काला नमक है 1 tsp, ज़ीरा भुना हुआ है, ये भुना हुआ ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है 1/2 tsp और नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग और ब्लैक सॉल्ट है 1 tsp। इन सबको ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें शुगर भी ऐड कर लेंगे, पीसने में आसानी रहेगा। इसका एक पेस्ट बना लेते हैं पहले। पेस्ट बना लिया है, देखिए इससे भी अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है क्योंकि ये खुद गला हुआ था एकदम सॉफ्ट सा। अभी अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। ये 1/2 kg है तो इसी में मैं 1/2 kg शुगर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 1/2 kg का डब्बा है, इसमें 1/2 kg शुगर ऐड कर देंगे। फिर इसे आप समर सीज़न में अच्छी तरह से फ्रीज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसमें 1 tbsp वाटर डाल के इसे अच्छी तरह से शुगर और मैंगो की प्यूरी को अच्छी तरह से इसमें पकाना है। अब इसमें जो मैंने पुदीना ज़ीरा का पेस्ट बनाया है इसे ऐड कर देंगे, इसे भी इसमें पकाएंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसे मैंने 5-7 मिनट
अच्छी तरह से पका लिया। इसे इतना पकाना है कि एक तार की चाशनी चप चप करने लगे, देखिए चाशनी की तरह हो रहा है। इसको ऐसे करें, इतना रहना चाहिए। ये अच्छा से एकदम पक गया है, ये ठंडा होके और गाढ़ा हो जाएगा। कितना आसानी से जल्दी शाम पन्ना रेडी हो गया बनके। अगर यहाँ पर आप चाहें तो ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं कि कलर और खूबसूरत आए, क्योंकि कच्चे कैरी का पन्ना है तो हरा कलर देखने में खूबसूरत लगता है। अब इसे स्टेन कर लेंगे कि जो थोड़ा बहुत ये रहेगा इसमें सब निकल जाएगा। इसे अच्छी तरह से इस तरह से स्टेन कर लिया। इसे मैंने स्टेन कर लिया, अब इसमें कुछ भी नहीं पार्ट बचा। आम पन्ना बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक गिलास के बोतल में थोड़ी देर के बाद डाल के इसे पैक कर देंगे। अभी डिश आउट करके दिखाते हैं किस तरह ये सर्व होगा। अब ये ठंडा हो गया, इसमें 2-3 स्पून आम पन्ना डालेंगे, आइस क्यूब डलेगा और वाटर। आम पन्ना लीजिए, ठंडा ठंडा आम पन्ना कितनी आसानी से रेडी हो गया। मिक्स करेंगे, ठंडा ठंडा आम पन्ना बन के बिल्कुल रेडी है। इस तरह से देखिए, अगर मेरे आम पन्ने की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।